चक्कर में चक्कर चक्कर के अंदर एक और चक्कर, चक्कर के अंदर जाओगे चक्कर में रह जाओगे, बाहर आने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कर पाओगे, जितने मर्जी हाथ पैर मारोगे अंदर ही फंस के रह जाओगे, चक्कर के अंदर जाओगे तो घन चक्कर बन के रह जाओगे, सब कुछ करोगे सही फिर भी गलत ही कहलाओगे, चक्कर के अंदर जाओगे तो चक्कर में ही फंस जाओगे, चक्कर में जाओगे तो घन चक्कर बन के आओगे। ये आप सोच रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ, अरे नहीं यार, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी जो आज रिलीज हुई है, मैडनेस। नहीं, पूरा नाम तो कुछ और है, मैं बस उसका मेन चीज बोल रहा हूँ, मैडनेस। जी हाँ, ये मूवी देखोगे तो थोड़ा मैडनेस ही आएगी, आप भी सोचोगे यार क्या देख लिया। और जिन लोगों ने अभी तक मार्वल की ज़रा मूवीज नहीं देखी हैं तो भैया वो तो पहले दूसरी मूवी देख लो, नहीं तो आपको ना घास में सुई ढूंढने के बराबर लगेगा ये, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे आप इसका, आपको हर एक सीन हर एक करेक्टर आपको सरप्राइज करेगा, यार यार ये कहाँ से आ गया, ये सीन कहाँ से आ गया, ये क्यों हो रहा है, ये मल्टीवर्स क्या हो रहा है, मतलब अब कुछ भी नहीं समय लगेगा आपको। आपको कई मूवी का पता होना चाहिए, जैसे हो गया व्हाट इफ, हो गया डॉक्टर स्ट्रेंज वन, हो गया एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और वोंडा विजन की अगर आपने सीरीज देखी हो तो। तो अगर आपने इसमें से कोई मूवी नहीं देखी तो चुपचाप थिएटर में बैठ के जय कन्हैया लाल बोल के बस मूवी देख लेना, किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, बाहर आके सब कुछ गूगल कर लेना बाद में, ठीक है, या तो दोबारा ये सब मूवी देख लेना। अगर वहाँ किसी से पूछोगे तो दो लात एक थप्पड़ मार देगा, क्योंकि उसका होगा मजा ख़राब, क्योंकि मूवी है इतनी अच्छी। ये मूवी अगर आपने ट्रेलर देखा होगा सब कुछ डार्क डार्क लग रहा था, ये मूवी जितनी ही फंटेस्टिक है उतनी ही ब्रूटल है, उतनी ही हॉरर है और उतनी ही सरप्राइजिंग है। जहाँ पर इसके कैमियो ही कैमियो दिख रहे थे, कितने सारे इसके स्पॉइलर आ गए थे, स्पॉइलर तो इतने आ गए थे जैसे लग रहा है कि बच्चे का पेट खराब हो गया और जगह जगह हकता हुआ फिर रहा है। तो अब ये मैं सोचो मैं रिव्यू कर रहा हूँ सारा स्पॉइलर दे दूंगा, नहीं, मैं उस बच्चे की तरह नहीं हूँ, मैंने अच्छी खुराक खाई है, मैं दवा दवा खा के आया हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा जितना आपको पच जाए और जितना मुझे पच जाए। मूवी में मल्टीवर्स तो है और उससे भी ज़्यादा है मैडनेस, इतना ज़्यादा मैडनेस है कि एक बार को तो आप सोचोगे ओहो हो ये हो क्या रहा है, ये बंदा कहाँ से आ गया, अरे यार इसको तो उस मूवी में देखा था, ये भी है इस मूवी में, अरे यार ये भी आ गया, ऐसे एक्सप्रेशन होंगे आपके। और कई कई सीन तो आपको इतना डरा देंगे, अगर आपने सुसु नहीं किया होगा तो बीच में निकल जाएगा, मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ, या डायपर पालना या तो टिकट लेने से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना। ये मूवी अपनी पहली मूवी से कई गुना ज़्यादा आगे निकलती हुई दिख रही है, चाहे वो हर एक स्टेप में, चाहे वो उसके विजुअल इफेक्ट, अगर यार विजुअल इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो अवतार मूवी की बहुत तारीफ हुई थी कि यार क्या क्या कर दिया इसने, एक अलग ही हाई लेवल पे पहुंच गई है, पर अवतार मूवी को लग गए 13 साल, उसके बाद कुछ आया नहीं, पर ये लगातार आती जा रही है मार्वल की मूवीज़, तो उसने सारी हदें पार कर दी हैं इसमें, क्या क्या विजुअल इफेक्ट अगर आपने देखा होगा तो मतलब अलग ही इफेक्ट हैं, तो इसने विजुअल इफेक्ट की सारी हदें पार की हैं। अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो आप इस बात को समझ जाएंगे, बाकी आप मूवी देखेंगे तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप 3D में देखेंगे तो। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, एक्शन, कोरियोग्राफी सब कुछ एकदम फंटास्टिक सा है। जहाँ इसका नाम तो डॉक्टर स्ट्रेंज है और इसकी पहली मूवी से कनेक्ट भी है, वहाँ वे पहली मूवी में एकदम बेचारा था, एक्सीडेंट हुआ, टूटा फूटा था, यहाँ पे भी ये बेचारा ही है, कुछ भी कर रहा है वो चीज़ें गलत ही हो रही है, जो इसने पिछले मूवी में भी गलतियाँ की थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो सुधर रही नहीं है, तो वोंडा की मदद ले रहा है, तो इसमें वोंडा की ही ज़्यादा सरप्राइज करने वाली शक्तियाँ उसको दिखाई दे रही हैं। और क्या मतलब, और वोंडा इसमें अपनी ही लिमिट्स को तोड़ती हुई दिख रही है, जो शक्तियाँ अभी तक उसकी किसी भी मूवी में नहीं दिखी, जो पावर अभी तक उसके अंदर छुपी हुई थी वो सारी इसमें निकल के बाहर आ रही है। एक तो उसके अंदर दुख दर्द है कि भाई उसकी फैमिली चली गई और जो उसने क्रिएट की थी अपनी वोंडा सीरीज में वो भी किसी ने नहीं छोड़ी, उसको भी ख़त्म कर दिया लोगों ने, तो वो सारा गुस्सा, दर्द, दुख दर्द सब कुछ बाहर निकल के आ रहा है इस मूवी में, और वो ला रही है एकदम तबाही जिससे बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछ रहा है कि तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में पता है, को तो पहले ही बता दिया था विजन ने सब कुछ कि ऐसा ऐसा है सब कुछ, पर वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है मल्टीवर्स, उसमें जाने का नहीं, नहीं तो गुम हो जाओगे, ऐसा लगेगा दलदल में फंस गए हो, इतना मर्जी हाथ पैर मारोगे निकल नहीं पाओगे, और वो चीज़ इसमें दिख रही है। इसके हर एक सीन को बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया गया है, मतलब जिस बंदे ने भी इसका स्क्रीन प्ले किया ना, ओहो उसका तो एक तरफ से दिमाग खराब हुआ हर एक सीन को प्ले कर करके, पर बहुत ही बढ़िया काम किया उस बंदे ने। जैसा ट्रेलर में भी दिख रहा था कई सारी डार्क साइड्स इस मूवी में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्स में ये ट्रैवल करेंगे, जिस दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज के कई बनेंगे दुश्मन और कई बनेंगे दोस्त। और अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो उसमें जो दिखाया गया था, मैंने भी यार जब व्हाट इफ देखी थी तो मुझे लगा तो उसमें कई करेक्टर थे और वो इसमें आएंगे, आपको कर देंगे सरप्राइज, मैंने भी यार जब व्हाट इफ देखी थी तो मुझे लगा यार ये तो शायद वैसे ही बना दिया होगा कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, पर मुझे भी
एक्चुअल में नहीं पता था कि ये इस सभी करेक्टर को यूज करेंगे एक्चुअल में। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। तो जैसा कि मैंने आपको हीरोपंती और राधे फिल्म के वक्त बोला था कि अपने दिमाग को निकाल के साइड में रख देना, एकदम स्विच ऑफ कर देना, कोई जरूरत नहीं है। और उसका उल्टा मैं बोलूंगा इस मूवी के लिए, अपने दिमाग को सही ठिकाने पर रखना, उसको स्विच ऑन ही रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस मूवी को देखते वक्त आपको। कई बार तो आप जंप मारते हुए दिखोगे अपने आप को कुर्सियों पर। अगर सबके सामने नहीं कर पाओगे तो मन के अंदर तो करते होगे, क्योंकि तो ऐसे ऐसे सीन है इसके अंदर, आपको कर देंगे एकदम हैरान। और आप सोचोगे कि मैं बस कुर्सी पर खड़ा होकर नाचने लगूं, पर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि दो चार लातें पड़ जाएंगी, पीछे वाला बंदा आपको पीट देगा। तो ऐसा करना मत, अपनी एक्साइटमेंट अपने अंदर ही रखना, बाद में बाहर आके जो करना हो कर लेना। तो लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि मूवी एकदम फंटेस्टिक है। इसका कैरेक्टर, इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायरेक्शन, इसका एक्शन, इसका विजुअल इफेक्ट, सब कुछ एकदम फंटेस्टिक है इसमें। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने एमसीयू की बाकी मूवीज नहीं देखी तो भैया ध्यान से जाना, नहीं तो आपका मुंह खुला रह जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बिना मतलब मुंह में मक्खी आ जाएगी। जहाँ बात की इसमें कैमियो की, स्पॉइलर आए थे कि इसमें कई सारे कैमियो देखने को मिलेंगे, पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एक्सपेक्ट किए थे और कितने आपको दिखे। बाकी मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि स्पॉइलर कोई नहीं मिलेगा, स्पॉइलर दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपका, उल्टा मुझे भी गालियां दोगे कि स्पॉइलर दे दिया। तो जाके मूवी देखो, एंजॉय करो, एकदम हटके है मूवी, अलग है मूवी, तो जाके देखो, एंजॉय करो। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने मूवी देख ली तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो कौन से कैमियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें, वो भी कमेंट करके बताओ, बाद में आपको आंसर करूँगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।